सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। क्या हो रहा है? वो रजू का सर दर्द देना तो दबा रही थी, कभी कभी उनका गला भी दर्द देता, वो भी दबा देना था। मैं आपका दबाना सोची। क्या वो? मैं आपकी हेल्प करना चाह रही थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम, आप मेहमान हैं, आराम करो, हमारा जीना हराम नको करो। जैसी आपकी मर्जी। हेलो, ये बॉटल नीचे इधर। हाँ, ये बड़ा है, वहाँ ऊपर आता है, ऊपर जमा के रखो। रजू आप इधर क्या कर रहे? चलो 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 मेरे साथ चलो। क्या हुआ? चलो ना। वो मैं बोल रही थी, अरे ये भाजी तरकारी के काम आप कहीं को कर ले रहे, आपके बेगम है ना। आप चलो, ये छोड़ो उधर रखो, चलो 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 चलो, वो देख लेते हैं, उन देख लेते हैं। चलो अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही होती। इसको छोड़ो, ये आप ले लो ना प्लीज, आप मेरे साथ चलो। चलो ये लियो। अरे रजू अब यहाँ क्या कर रहे, चलो ना। कहाँ जी? अरे चलो। कहाँ वा गुजू? घूमने जाएंगे। अरे अरे क्या हुआ गुजू? हाँ क्या हुआ? तुम्हाँ को क्या हुआ रजू? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम इच नहीं है। अरे टाइम रहने का क्या है भाई, पूरा टाइम तो तुम्हारा इच है ना। खाली बोलते, टाइम तो देते इच नहीं। अच्छा जान दो, क्या हुआ बोलो। ये देखो मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा। क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? क्या हो रहा ये? क्या कुछ भी नहीं हो रहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता दोस्ती कहलाता है। देखो कुजू के हाथ में का कि दर्द हो रहा कहते भाई, तो मैं चेक कर रहा था। तुम क्या हकीम है जो हाथ पकड़ के बीमारी बोलने के वास्ते में? ओ हेलो, हमारे परदादा निजाम के जमाने के बहुत मशहूर हकीम थे। उन्हों मशहूर थे, तुम नीम हकीम खतरे जान है, हाथ छोड़ो। और तुम कहीं गिरे ना पड़े, ऐसा कैसा दर्द दे रहा हाथ? गिरे हुए तो तुम है। मैं कोई कुल्लू पापा नहीं हूँ जो कहीं भी गिर जाने के वास्ते। और मैं अब भी बोल दे रही हूँ, मेरे को दाल में डोई नहीं पसंद, मेरे को तुम इच नहीं पसंद। क्या बोले? अरे जरा ठहरो जी, क्या लटके रहते तुम? अरे तबा तबा हो गया यार, लड़ाई लड़ाई माफ करो, दिल साफ करो, ठीक है? दाल भी जरूरी है, दाल में डोई भी जरूरी है। मेरे को तुम्हारे ये भामटे बाता समझ में नहीं आ रहे, दिमाग रहा तो समझ में आएंगे ना। भूख लग रही, भूख लग रही, चलो खाना खाएंगे, चलो 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 चलो, भूख लग रही, चलो खाएं, जल्दी निकालो खाना, चलो चलो। तुम पहले अंदर जाओ, इधर इधर इधर। उफ जबरदस्त भूख लग रही, खाने के बाद फिल्म देखेंगे अपन बैठ के। माशाल्लाह माशाल्लाह बेगम, कितने खूबसूरत है आपके बाल। शुक्रिया। अर्ज किया है? इरशाद इरशाद। कभी दाल में, कभी चावल में, कभी फली के सालन में। वाह 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 वाह। कभी दाल में, कभी चावल में, कभी फली के सालन में, बेगम तुम्हारे बालों का दीदार हर निवाले में। वैसे सालन भी उतना मजेदार नहीं बना। ये मेरा घर है, तुम्हारा ससुराल नहीं, लड़ाई लगाने के वास्ते। कुजू मजाक करने की आदत है, लाइट लो, तुम खाओ। मजाक मजाक में मेरी जिंदगी मजाक कर दी है ना जी तुम। ये खट्टे बातें करते करते दाल भी खट्टी बना दिए तुम। अरे आलू भी नहीं पका, क्या है ये? देखो चार सीटियां दी मैं, फिर भी नहीं पका। तो थोड़ा बातें कर लेना था, उन्हें भी पक जाता था। खा लो तुम लोग, इस मेरा पेट भर गया। हाँ होते रहता है, रोज का इनका। हेलो सबा। क्या हुआ जीनत, तुम हमेशा परेशान रहते क्या? हाँ क्या हुआ मालूम? तुम बोले तो मालूम पड़ेगा ना क्या हुआ। कल ना ऐसा हुआ, देखो तू अकेला महसूस नको कर, तू उन लोगों को अकेला कर दे, नहीं तो वो लोग तेरे को अकेला कर देते। समझ गई मैं। Thank you.
मजा आएगा आज तो खाना खाने में। दोपहर में तो नहीं खाए, रात में तो जबरदस्त खाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त है, वाह बेहतरीन। आज तक का इससे अच्छा खाना नहीं खाया हुआ। जैसा ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां मजदूरों के हाथा काट दिया था दूसरा ताजमहल नहीं बनना बोल के, वैसी ऐसा बेहतरीन खाना दूसरी बार नहीं बनना बोल के मैं आपके हाथा काट देता हूँ। हाँ देखो, मालूम था बेगम तुम्हारे अंदर एक मास्टर शेफ छुपे हुआ है बोल के। अच्छा सुनो, थोड़ा ज़्यादा पकाना था क्या, कल सुबह में ऑफिस को भी एज लेके जाता हूँ। अच्छा सुनो, थोड़ा बचा के रखो, ऑफिस से आके भी एज खाता हूँ, ठीक है ना? वाह 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 वाह, क्या बोलना भाई, एक जादू है तुम्हारे हाथों में। ये सालन बेस्ट सालन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे सकते। ये सालन कुज्जू बनाए क्या? अब अच्छा अच्छा ही है, खा सकते, अच्छा है बस। अब मगर तुम्हारे पकवान की बात नहीं आती बेगम। वैसे कुज्जू क्या डाले सालन में, जबरदस्त है। मोहब्बत का तड़का, प्याज की पाकिजा की पत्ती और मीठे में प्याज की चाशनी, मिर्चों का सालन भी है जिसको देख देख के लोगों को मिर्चियाँ लग रही। वो सब डाले लेकिन नमक डालना भूल गए ना? वो नमक मिर्ची लगाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अरे जान दो भाई, खाओ। हाँ नमक भी जरूरी है, मिर्ची भी जरूरी है, ये नमक मिर्ची नको लगाओ, प्लीज खाओ। अच्छा ये खट्टे टमाटर की चटनी कैसी बनी? जबरदस्त है, शुक्रिया। अच्छा चुकुटे टमाटे नाजुक हाथों से, हाँ तुम्हारे को याद करके कूट रही थी। तो हाँ मुझे लगता है तुम तो जानते हो ईश्वरलाल सिविल वॉर के बाद क्या। अजी कभी मेरे खाने की तारीफ करे तुम। 2 साल हो रहा अपनी शादी को, कभी मोहब्बत से मेरी तरफ देखे तुम? अरे हो गए ना 2 साल, अब कहीं सी मोहब्बत की नज़र से देखना तुम्हारे को। अरे उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 दिन शक में घुस गए, बाकी के 2 दिन सच्ची मोहब्बत की तलाश में। उन्हें खुद जाती है, मैं भगाऊं उसको? अरे दाहिल औरत पागल बात कर रहे क्या? अरे मेहमान है उन्हें, मेहमान अल्लाह की रहमत रहती। रहमत नहीं है उन्हें, वहमत है, मेरे जी का जंजाल है। हामूद बैठे जी। हाय रजू, आ गई। रजू क्या कर रहे रजू आप? हम लगा वेब सीरीज देख रहे हैं, आओ आप भी आओ बैठ के देखेंगे। वेब सीरीज क्या देखते रजू, अपन क्रिकेट देखेंगे। एक काम करो आप वहाँ पे जाके टीवी में देख लो क्रिकेट आप। नहीं मेरे को आपके फोन मैच देखने का है। क्या है जी ये? अरे जान दीजिए, छोड़ो 2-4 दिन किस तो बात है ना। ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे को, हर बार तुम्हारे कने कई को घुसती हूँ ना, सुबह से देख रही हूँ आ रही, तुम्हारे को लेके चले जा रही, कुछ भी काम साथ में करेंगे बोल तो लेके चले जा रही। हाँ अमेरिका में, अमेरिका में रहती तो क्या करना मैं? हाँ मेहमान है तो मेहमान के जैसा रहना, बाबा के घर में रहे जैसा नहीं रहना। हाँ कुछ भी बोलते, रजू बोल रही है मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होता, देखो समझा दो उसको। जाहिल औरत जरा हल्लू बात करो जी, सुन लेंगी उन्हें। हाँ सुनी तो कैसा अच्छा दिखता। हाँ मैडम तो कुछ कुजू कहाँ गई? मेरे को क्या मालूम, तुम्हारी कुजू है तुम्हारे को मालूम रहना कहाँ गई की। हाँ इसका कुजू का मैसेज। I'm sorry रजू, मेरे वजह से तुम्हारी हस्ती खेलती जिंदगी डिस्टर्ब हो गई। एक्चुअली मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी, ऐसा कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। तुम्हारी बीवी तुम्हारे से बहुत प्यार करते और तुम्हारा बहुत ख्याल भी करते, इसलिए मेरे से इतना जेलस फील कर रहे थे उन्हों। मैं तो बस चेक करना चाह रही थी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे से कितना प्यार करती, इसलिए आपके क्लोज रह रही होती। आई एम सॉरी फॉर दिस, बस दूसरा कोई इंटेंशन नहीं था, हो सके तो मेरे को माफ कर दो। और हाँ भाभी बहुत अच्छे है, उनका ख्याल रखो, ठीक है ना? गुड बाय रजू। देख लिए चले गए इन्होंने तुम्हारे बातों की वजह से। अरे मैं कितनी बार बोला तुम्हारा कोई शक नक करो जी, छोड़ दीजिए, बहुत गलीस आदत है, बुरी आदत है, नहीं समझते तुम, अपनी चलाते हमेशा। आई मेरे को क्या मालूम था उन्हें चले जाती बोल के, अब चले गई ना उन्हें, जान दो आई एम सॉरी। रख लो तुम्हारा सॉरी, बेचारी क्या समझेगी क्या नहीं की। खैर छोड़ो मैं मना लेता हूँ उसको।
अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। वापस तो नहीं आती ना उन्हें? तुम्हारे